सभी भाइयों को राम राम। और भाई आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, शानदार सी, मेरे हिसाब से शानदार सी है क्योंकि आपके काम की है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाओगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, पूरी देखोगे। आपकी जेब में मोबाइल होगा और आप कभी ना कभी परेशान रहे होंगे, कभी आपके मोबाइल का जैक खराब हो गया, कभी आपके मोबाइल की बैटरी खराब होगी, और 90% वो खराब नहीं होती, 90% आपने बता दिया और मैकेनिक के पास लेके, तो मैकेनिक क्यों इनकार करेगा, वो क्यों बोलेगा कि हाँ भाई बैटरी ठीक है आपकी। आप कह रहे हो यार खुद, भैया इसकी बैटरी कम चलती है, खराब है, आप दूसरी डाल दो। आप कह रहे हो यार भाई मेरा जैक खराब है, यार भैया आप दूसरा जैक लगा दो इसमें, ये चार्जिंग लेता नहीं, तो मैकेनिक क्यों मना करेगा भाई। उसका 10 रुपए का चार्जिंग जैक 150 में लग रहा है, 200 में लग रहा है, बोलेगा कि नहीं खराब नहीं है। वो बैठा इसलिए है कि आप आए, अब डॉक्टर के पास कोई जाओ तो भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो भैया डॉक्टर यूं थोड़े कहेगा यार ठंडा पानी पी ले, तूने 2 दिन से पानी नहीं पिया। वही कहेगा हाँ जी दवाई लिख देते हैं और तीसरे दिन फिर दिखा लेना। और कुछ मैकेनिक तो ऐसे बैठे ना भाई, आप मोबाइल ले जाओ एक बारी, वो कभी जैक खराब बताएंगे, कभी बैटरी खराब बताएंगे, कभी कुछ और खराब, कुछ जब तक आप मोबाइल फेंगे ना। तो इजी स्टेप बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप दुकान पर जाने से बच जाओगे और अपना मोबाइल या अपनी बैटरी घर पे ही चेक कर लोगे और अपना चार्जिंग जैक घर पे ही ठीक कर लोगे बिना मोबाइल को खोले हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड टॉपिक पर अब मेरी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आपको अच्छी लगती है ऐसी वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। बिना मैकेनिक के पास जाए हुए अपना मोबाइल घर पे ही कैसे ठीक करें, कैसे पता करें कि आपकी बैटरी ठीक है? मैकेनिक ने खराब बता दी फिर भी आप उससे बहस कर सकते हो भाई साहब ठीक है मेरी बैटरी, कैसे? तरीका मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं जैक का बताऊंगा, जैक अपने घर में चार्जिंग जैक कैसे ठीक कर लें, लेकिन पहले बैटरी का तरीका बता देता हूँ। देखो एक बैटरी है ये, ठीक है, सबसे पहले इस बैटरी को देख लें, फुल्ली तो नहीं है, फुल्ली है तो 100% खराब है, फेंक दो दूसरी ले आओ। बता रहा है कि आपकी भाई साहब बैटरी खराब है, तो देखो यार बैटरी को आराम से तसल्ली से देखो यार, अगर आपका दिल कहता है ठीक लग रही है यार ये, ना तो फूल रही है ना कुछ है, पता नहीं कैसे खराब बता रहा, कल तो ठीक चल रही थी। तो अपनी बैटरी को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, टेबल पे बैटरी रखो, जैसे मैं अभी एक किताब रखी है मेरे पास में, इस पे बैटरी रखो और ऐसे घुमाओ, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करो, अगर वो बॉल की तरह स्पिन हो जाती है बहुत तेजी से घूम रही है तो आपकी बैटरी खराब है, आप मैकेनिक की बात मान लोगे कि हाँ खराब है भैया बदल दे। अगर वो नहीं घूम रही है और ऐसे ऐसे बिहेव कर रही है तो आप समझ जाओ आपकी बैटरी ठीक है, खराब नहीं है, मैकेनिक पैसे बना रहा है, मैकेनिक चाहता है कि इस बैटरी से आप 100 रुपए कमा ले, उसके बाद आपकी जैक भी वो बदल दे या पहले जैक पे बदल चुका होगा तो वो जैक को ठीक करेगा दोबारे से और बैटरी भी आपकी बदल लेगा, उसमें भी कमा लेगा, उसमें भी कमा लिया उसने, 10 रुपए का चार्जिंग जैक 150-200 रुपए का लगा लेते हैं या 250 का या फिर एरिया के हिसाब से 300 भी लेते हुए। तो भाई खुद ही अपनी बैटरी चेक कर लो, अगर कम बैकअप दे रही है तो पहले एक बार चार्जर चेंज करके देख लो, फिर भी कम दे रही है तो बैटरी बदल लो। और ये जो मैंने घुमाने का बताया टेबल पे घुमा के देख लो, प्लेन टेबल पे अगर घूम रही है तो बैटरी खराब है, नहीं घूम रही है तो ठीक है, मैकेनिक को बोल लो अपना चार्जर जैक देख ले, भैया मेरी बैटरी ठीक है इसे वही लगा। रही है चार्जिंग जैक की बात, चार्जिंग जैक क्या होता है, हम इसे बरसों तक साफ नहीं करते, बरसों तक इसमें धूल मट्टी जाती रहती है, तो इसके अंदर धूल मट्टी जाके ये भर जाता है, कई बार ऊपर तक आ जाता है, और हम अपना चार्जिंग जैक लगाते हैं वो अच्छे से करेक्ट ही नहीं हो पाता तो चार्जिंग कहां से होएगा। सेकंड हम क्या करते हैं, देखो मेरे पास चार्जर लगा हुआ है ये मेरे सॉकेट में, जब भी हम इसमें लगाते हैं नहीं हुआ चार्ज तो हम यहाँ सबसे पहले से मुंह में देंगे करंट तो आ रहा है भाई, उसके बाद इसे यहाँ लगाएंगे तो हल्का सा इसमें जो गीलापन गया है ये जो हमारी लार गई वो यहाँ सॉकेट पे लगी तो कई बार उस पर जंग लग जाता है, अंदर जो इसको और इसको कनेक्ट करती है 5 पिनें उन पर लग जाता है जंग, और कुछ घुसती है इसमें डस्ट कुछ लग जाता है जंग, तो फिर वो वर्क करना कम कर देता है, कम किया उस पर जंग लगेगी तो जब कार्बन आ जाएगा बीच में तो यार कनेक्ट अच्छे से नहीं होगा तो भाई चार्जिंग कहाँ होगा। तो उसके लिए क्या तरीका है, देखो कोलगेट का ब्रूस लो, मेरे इसकी जाली घिसी हुई है क्योंकि मैं एलईडी के कार्ड पर रगड़ रगड़ के वॉश करता हूँ तो ये घिस चुका है, इस पर हल्का सा या तो पेट्रोल या मेरे पास सैनिटाइजर है जैसे ये वाला, 2 बूंद 4 बूंद डाल लो, हल्के से डाल लो ऐसे ही
ये इस टाइप से दो चार बूंद इसके ऊपर देखो इस तरह से, ठीक है, ये दो चार बूंद डाल लो और यूं झाड़ लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अपना जैक है इसमें ऐसे ऐसे करके ये इस तरीके से अच्छे से इसको साफ कर लो, इसमें से जो डस्ट है जो कार्बन है वो सब ब्रूस निकाल देगा। फिर भी ना निकले देख लो एकदम ही रोशनी में, फिर भी ना निकले ना, तो इसमें हल्की सबसे पतली वाली सुई नहीं आती जो बहुत बारीक वाली सुई जो हमारे काज बटन करती है, उससे बिल्कुल इसको अंदर डाल के बिल्कुल चारों तरफ से मट्टी निकाल दो और फिर इसके बाद ऐसे क्लीन कर लो। फिर एक मारो लंबी सी भोंगू इसमें इस टाइप करके, फिर जैक भाई साहब फिर लगाओ ना चार्जिंग जैक, 100% काम करेगा 100%, अगर आपने अंदर से हिला हिला के तोड़ा ना हो इसको अब तक 100% काम करेगा। फर्स्ट बार में दिक्कत आती है तो आप यही करो, उसके बाद आप मैकेनिक के नहीं जाओगे, आपके पैसे बचेंगे प्लस आपका मोबाइल खराब होने से बचेगा, क्योंकि आधे मैकेनिक ऐसे बैठे उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, वो जैक लगाएंगे वो ठीक से जैक ही नहीं लगा पाते, वो आपकी हीट गन जो मारते हैं उससे वो आपका वो फोन की पूरी पूरी प्लेट ही हीट कर देते हैं, मदरबोर्ड ही हीट कर देते हैं पूरे से, पता लगा चार दिन पीछे कुछ और उड़ गया, फिर दिक्कत आनी होती है, कंटिन्यू आनी होती है। तो इस वजह से दो तरीके हैं ये बैटरी चेक करने के और एक ये चार्जिंग जैक खुद ठीक करने का, ये कर लोगे तो सुखी रहोगे और आपका मोबाइल भी सुखी रहेगा। कल बाजार में जाने का मतलब है पैसे यूं निकालना, यूं देखो दादू ये 350 लगेंगे इसमें और आपके जाने के 10 मिनट बाद मोबाइल ठीक हो जाता है। वो काम ये करते हैं मैकेनिक कर लेता है फिर वो, या फिर खोल के अंदर से टाके टुके मार के चेप के दे देता है, 3 दिन बाद फिर वही प्रॉब्लम आती है, यार अभी तो करवाया था, बहुत परेशान आत्माएं घूम रही होती है मेरे पास ऐसी, बहुत परेशान लोग आते हैं मेरे पास ऐसे, हालांकि मैं ठीक नहीं करता मोबाइल, कभी कभी जो ज्यादा परेशान होता है बुजुर्ग टाइप उन्हें देख लेता हूँ, दिखा दो अंकल जी कर देता हूँ और यही सब करके देता हूँ बस बहुत हो जाता है, नहीं तो मुझे वक्त नहीं लगता भाई। एलईडी वगैरह का काम ऊपर वाले की दया से इतना है ना कि मैं काम नहीं कर पाता ये वाला, तो आप भी बच जाओगे इसलिए सलाह दे रहा हूं। कल बंदा एक आया था 1200 रुपए उसके लग गए और फिर भी वो परेशान था, फिर भी बोल रहा सचिन भैया यार 1200 ले लिए मैकेनिक ने, अब बोल रहा बैटरी खराब है और कह रहा बैटरी भी मैं नहीं ला पाऊंगा बैटरी भी। मैंने कहा खराब बता रहा फिर क्यों नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसे उसके बाद चला के दिखाना पड़ेगा कि भाई तूने सब तो बदल लिया तेरी मर्जी से, अब बैटरी भी बता रहा, अब हमने बैटरी भी डलवा ली, अब तो तू चला के दिखा। तो इसीलिए उसने कहा बैटरी मेरे पास नहीं मिलेगी भाई। मैंने कहा भाई गफ्फार जाऊंगा ला दूंगा तुझे बैटरी, लेकिन अभी नहीं जा रहा, मेरा वक्त नहीं है अभी जाने का। तो यार ये हाल कर रहे हैं मैकेनिक, आप भी बच जाओगे, खुद ही एक बार अपने जैक पर ट्राई मार लें भाई, 99 नहीं कहता 90% ठीक हो जाएगा मेरे भाई, 90% ठीक हो जाएगा घर पे ही, और बैटरी भी खुद ही चेक कर लोगे यार कि आपकी बैटरी खराब है या नहीं है। मैकेनिक के कहीं पे मत चलो यार, मैकेनिक भी तो आप हम में से ही बने हुए हैं, बस मैकेनिक को झूठ बोलना आता है आपको नहीं आता यार, मैकेनिक को झूठ बोलना आता है, वो रोजी रोटी है उनकी, वो करेंगे तो करेंगे क्या भाई, लॉकडाउन है पैसे नहीं है किसी के पास आज की डेट में, कर रहे क्या है बस यही कर रहे हैं वो। जैक खराब बता दिया, 10 रुपए का जैक 150 में लग गया, उसके बाद ठीक नहीं चला, पता लगा जैक ठीक से नहीं लगा, फिर अगली बार आएगा तो उन्होंने कहने के मेरा जैक खराब है मेरा लगाया हुआ, बोले यार बैटरी खराब है तेरी, बैटरी चेंज करवा ले भाई आप, तो फिर बैटरी चेंज कर देंगे, बैटरी में भी 100-150 रुपए ले लेंगे 200 ले लेंगे, लास्ट में करेंगे जैक कोई ठीक, फिर दोबारा से टक्के मारेंगे उस पर, क्योंकि उसने पहली बार टक्के ठीक से लगाए ही नहीं पाते, उनके पास बारीक बारीक आयरन ही नहीं है, वो मोटे आयरन से टक्के लगा देते हैं या होट गन से लगाते हैं, तो पता लगा जैक के आसपास का सब जला देते हैं, चेप के दे देते हैं, फिर छोटी छोटी बारीक तारे लगाते हैं कॉपर वाली, वो वाइंडिंग वाली जो पंखे की वाइंडिंग में बारीक तार लगती है उससे लगा लगा के चेप के दे देते हैं, ले चला ले, देखा है मैंने जुगाड़ होते हुए देखे हैं, जुगाड़ करते हुए मैकेनिक देखे हैं, तो वाट लगा देते हैं मोबाइल की। तो भाई मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मेरा मकसद बुराई करना नहीं है किसी की, मैं भी मैकेनिक हूं यार, लेकिन गलत काम नहीं करता और गलत काम ना आता है ना मेरे पास तो उसे देख के कहता हूं यार ये क्या करवा दिया, ईमानदारी से कमाता हूं, ईमानदारी से खाता हूं और कमाने के लिए सब बैठे हैं दो पैसे, लेकिन किसी का दिल दुखा के नहीं कि 1200 भी ले लो और फिर भी ना चले, वो फिर भी भटक ही रहा है यार, उसे पहले दिन बोल देता मेरे भाई मोबाइल दूसरा ले ले, इसमें पैसे वैसे लगाना बेकार है तेरे, या 1200 लेके भी यार वो उसी चीज के लिए दोबारा भटक रहा है, बस पहले आपने कुछ और बताया उसको और अब कुछ और बता रहे हो उसको, और कुछ बोल लेगा तो आप लड़ने बैठ जाओगे,
क्योंकि दबंग हो रखे हैं दुकानदार भी। तो भाई मेरे भाई, वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर कर देना दोस्तों में और लाइक कर देना, अच्छी लगे तो कर लेना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दिल हो तो। जय हिंद।